वेलकम टू खालसा लिटिल फ्लावर स्कूल लर्न फ्रॉम होम प्रोग्राम शॉर्ट नोट अवर नेक्स्ट टॉपिक इज शॉर्ट नोट द फर्स्ट वन इज विंड। अब हमें किसकी शॉर्ट नोट लिखनी है? विंड की शॉर्ट नोट लिखनी है। फर्स्ट पॉइंट इज मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। हम पढ़ते आ रहे हैं ना, सेकेंड स्टैंड है, व्हाट इज मूविंग एयर इज कॉल्ड? मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। विंड हैज बोथ डायरेक्शन एंड स्पीड। विंड की दोनों चीज होती है, विंड का डायरेक्शन भी होता है और विंड की स्पीड भी होती है। एन एनोमीटर एंड द बफेट स्केल इज यूज्ड टू मेजर द विंड स्पीड। विंड स्पीड मेजर करने के लिए किसका यूज होता है? एनोमीटर एंड बफेट स्केल का। नाउ नेक्स्ट वन, अ विंड वैन और अ वेदर कॉक इज यूज्ड टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ विंड। और विंड का डायरेक्शन फाइंड करने के लिए किसका यूज होता है? अ विंड वैन का और वेदर कॉक का। ओके, नाउ मूव टू द सेकेंड शॉर्ट नोट, हॉट एयर बलून। हॉट एयर बलून राइजेज अप स्लोली बिकॉज ऑफ हॉट एयर। जो हॉट एयर बलून होता है वो राइजेज अप कैसे क्यों होता है? बिकॉज ऑफ हॉट एयर। इट बिकम्स लाइटर ड्यू टू द हॉट एयर इन साइड इट। वो लाइट क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर क्या होता है? हॉट एयर। नाउ वेन एवर द बलून इज गो हायर द एयर इन साइड इज हीटेड बाय द बर्नर। किससे हीटेड की जाती है? बर्नर से। एंड टू मेक द बलून कूल डाउन द बर्नर इज स्विच्ड ऑफ मेकिंग द एयर कूलर। और जब उसको नीचे लाना होता है तो क्या करते हैं? हम बर्नर की स्विच को ऑफ कर देते हैं। सो यू हैव टू राइट डाउन बोथ द शॉर्ट नोट इन योर साइंस CW। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ।